हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रिपब्लिका क्लास। साथ ही रिपब्लिका श्रीधरम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिपब्लिका ऐप पर तो स्वागत है ही आप लोगों का। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में, ठीक है। बीपीएससी के संदर्भ में बहुत सारी चीज़ें पहले मैं चर्चा कर चुका हूँ। देखिए, बीपीएससी ऑनलाइन क्लास चल रहा है रिपब्लिका के प्लेटफॉर्म पर, रिपब्लिका के ऐप पर। तो इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। रिपब्लिका का जो ऐप है अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में जाकर के आपको इंस्टॉल करना है। और यहाँ पर ढेर सारा कोर्स है, उसमें एक बीपीएससी भी है। और रिपब्लिका अपने बीपीएससी में रिजल्ट के लिए काफ़ी स्पेशलाइज्ड वे में जानी जाती है। तो आज हम लोग जो 66 पीटी मेंस का जो फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है, उस संदर्भ में ऑप्शनल सब्जेक्ट के बारे में मैं पिछले क्लास में या पिछली स्ट्रेटजी में डिस्कशन कर रहा था कि उसी ऑप्शनल सब्जेक्ट की अगली कड़ी के रूप में कि ऑप्शनल जो सब्जेक्ट आपका होगा, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ों की चर्चा मैं कर चुका था, इसलिए मैं नहीं करूँगा। तीन फेज में एग्जाम आपका होता है। पहला पीटी 150 क्वेश्चंस का, ठीक है। दूसरे फेज में आपका मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें जीएस दो पेपर होता है, पेपर वन 300 का, पेपर टू 300, दूसरा 300 का। और फिर ऑप्शनल आपका होता है 300 पेपर का। और थर्ड फेज में आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो जो सेकेंड फेज में ऑप्शनल होता है 300 मार्क्स का, उसी पर मैं चर्चा कर रहा था पिछले क्लास में। आज ऑप्शनल का चयन क्या हो, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेरी करते हैं, जानने का कोशिश करते हैं कि सर ऑप्शनल क्या रखूं। और ख़ासकर जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने अभी ग्रेजुएशन पास किया है, पीजी किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं, तो उनके लिए भी समस्या है। और ख़ासकर जो लोग पहले भी दे चुके हैं लेकिन अपने सब्जेक्ट से, अपने ऑप्शनल से सेटिस्फाइड नहीं है, तो उनके लिए भी एक समस्या है। क्योंकि ऑप्शनल का चयन, पीटी का चयन आप नहीं कर सकते, पीटी सबके लिए अनिवार्य है, 150 मार्क्स का कॉमन है। जी मेंस के लेवल पर जीएस पेपर वन और पेपर टू कॉमन है, उसमें आपका चॉइस नहीं है। लेकिन ऑप्शनल के चयन में आपकी अपनी रुचि है, बैकग्राउंड है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अकॉर्डिंगली आप अपने ऑप्शनल का चयन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जान लें कि जिनका जो बैकग्राउंड है, उस बैकग्राउंड में आपके ग्रेजुएशन में या पीजी में जो सब्जेक्ट रहा है उसको रखना अनिवार्य नहीं होता है। यानी कोई भी गिवन सब्जेक्ट जो बीपीएससी के लिस्ट में है, ठीक है, उस लिस्ट में से किसी भी एक सब्जेक्ट को आप अपना ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, ठीक है। आपके बैकग्राउंड से मतलब नहीं है, लेकिन बैकग्राउंड वाला जो सब्जेक्ट है उसका लेने का अपना फायदा भी है, ठीक है। फायदा क्या है कि अगर आपने ग्रेजुएशन लेवल पर और पीजी लेवल पर अगर आपने अच्छे ढंग से किया है, उसकी तैयारी किया है, तो उस सब्जेक्ट में आपकी अच्छी डेप्थनेस हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका बैकग्राउंड जो भी रहा है, जैसे टेक्निकल बैकग्राउंड है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है या साइंस बैकग्राउंड है, तो ऐसे में प्रॉब्लम होती है। क्योंकि साइंस सब्जेक्ट के साथ बीपीएससी या फिर यूपीएससी को क्वालिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। स्किलिंग में वह कहीं ना कहीं एक लॉस की कंडीशन वहाँ पर एक बनती है। चूँकि आपका क्या होगा, आपका कंपटीशन आपके ही सब्जेक्ट्स के अन्य स्टूडेंट्स के साथ होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने मैथ को लिया, तो मैथ के अन्य सब्जेक्ट, मैथ्स के जो अन्य कैंडिडेट्स हैं उनके साथ आपका कंपेरिजन होगा, ठीक है। तो ऐसे में घाटा होता है, क्योंकि मैथ्स लेने वाले जितने भी लोग होंगे मैथ्स बैकग्राउंड के हैं और मैथ्स की उनकी अच्छी तैयारी है, आपकी भी अच्छी तैयारी है, लेकिन
वहाँ पर जो भी स्केलिंग का या मॉड्यूलेशन का जो भी फार्मूला है उसमें कई बार घाटे की स्थिति हो जाती है। और वैसे भी साइंस सब्जेक्ट लेकर के जनरली सेलेक्शन रेशियो कम रहा है। तो यहाँ पर आप अपने बैकग्राउंड के सब्जेक्ट को प्राथमिकता में तो रखेंगे, लेकिन वह रखना अनिवार्य नहीं है। यह आपके सिलेक्शन ऑप्शनल पेपर के चयन के लिए एक महत्वपूर्ण आधार हो सकता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट जो हमारा ग्रेजुएशन में है, पीजी में है और बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस किसी ने रखा है ग्रेजुएशन में या पीजी में और आपको लग रहा है कि यहाँ पर हम अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको दूसरा सब्जेक्ट ले लीजिए। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण क्राइटेरिया है वह है इंटरेस्ट। किसी भी सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कितना है यह काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो अपनी रुचि के हिसाब से अगर इंटरेस्ट है तो उस सब्जेक्ट को पढ़ना, डाइजेस्ट करना, उसको मेमोराइज करना आपके लिए काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट भी इम्पॉर्टेंट है और यह एक काफ़ी महत्वपूर्ण फैक्टर है। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि बिल्कुल ना हो, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, काफ़ी अच्छा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, लेकिन हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को ज्योग्राफी अच्छा ना लगे, वहाँ ग्राफ है, डायग्राम है, मैप है, फिगर है आदि बनाना होता है और वो आपको फिट नहीं बैठ रहा हो, तो वहाँ पर चूंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है इसलिए आपके लिए वहाँ पर सुटेबिलिटी नहीं बनती है, ठीक है। तो ऑप्शनल के चयन में जो एक महत्वपूर्ण आधार है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को प्राथमिकता आप दीजिए अगर देना सक्षम है तो। दूसरी बात कि इंटरेस्ट अगर है तो बहुत ही अच्छा है। इसमें हम एक फार्मूला ने अभी निकालेंगे, ठीक है। तीसरा है इन सब के आधार पर कंक्लूड करके, तीसरा है कि सिलेबस किसी भी सब्जेक्ट का सिलेबस छोटा है, बड़ा है, क्या है, उसके अकॉर्डिंगली आप निर्णय ले सकते हैं। अगर मान लीजिए सिलेबस छोटा है तो सिलेबस को छोटा होने का फायदा है, खासकर चूंकि 66 बीपीएससी आ चुकी है, नोटिफिकेशन फॉर्म भराना भी स्टार्ट हो चुका है। जो लोग डिसाइडेड नहीं है ऑप्शनल को लेकर के कि क्या रखा जाए, तो उनके लिए अगर सिलेबस छोटा है तो छोटा सिलेबस क्या होगा, तो क्या होगा, आप कम टाइम में आप क्या कर लेंगे, इसको इस पर काम कर लेंगे, इसको कवर कर लेंगे। कई सब्जेक्ट ऐसा होता है कि वहाँ पर जो सिलेबस होता है कि काफ़ी बड़ा सिलेबस होता है, तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कम टाइम में नहीं कर सकते। मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन है, तो वहाँ के सिलेबस को कवर करने में आपको ज़्यादा टाइम टेकिंग की आवश्यकता है। वहीं छोटे सिलेबस में जैसे कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे LSW है, तो इसका सिलेबस क्या है, छोटा है, लेबर एंड सोशल वेलफेयर का। सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी का भी क्या है, इसका भी सिलेबस छोटा है, तो ये भी आप ले सकते हैं, कम छोटा सिलेबस है। सोशियोलॉजी में एक अच्छी बात ये होती है कि इसमें वेल फैमिलियर टॉपिक्स होता है, जैसे इसमें कुछ थिंकर हैं, थिंकर के अलावा जैसे स्ट्रेटिफिकेशन हो गया, जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था हो गया, सोशल चेंज हो गया, सोशल मूवमेंट हो गया, ठीक है। सेकेंड पार्ट में आप आएंगे तो इंडियन सोशल सिस्टम्स आ जाएगा, फैमिली मैरिज किंसिप आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें टॉपिक में जिसको डे टू डे लाइफ में अपने समाज में हम पहले से ही देखते आ रहे हैं, तो आपके लिए वह चीज़ें नई नई लगती है और आपको कई बार मजा आता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, खासकर मैं उन लोगों के लिए बातें कर रहा हूँ जो लोग नए हैं, फर्स्ट टाइम है, 66 बीपीएससी का डेट आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है, और ऐसे में सब्जेक्ट के चयन में आपको
प्रॉब्लम आ रही है। जो लोग पहले से डिसाइडेड हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आपका ऑलरेडी पहले से डिसाइडेड है, आप उस पर काम भी कर चुके हैं, ठीक है। अगर काम नहीं भी किए हैं तो आप काम शुरू कर देंगे, ठीक है, उस पर मैं बाद में चर्चा करूंगा। तो सिलेबस का छोटा होना बड़ा होना भी एक महत्वपूर्ण है, खासकर नए स्टूडेंट्स के लिए और नोटिफिकेशन आ जाने के बाद के टाइम के लिए, ठीक है। इसी सिलेबस से मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है, वह है क्या है, टाइम कंजम्पशन। अगर टाइम का कंजम्पशन, अगर सिलेबस बड़ा होगा तो क्या होगा, एक्चुअली एक ही पॉइंट का दो पार्ट है, अगर टाइम का कंजम्पशन ज्यादा होगा तो क्या होगा, तो फिर ओवरऑल आपको टाइम ज्यादा देना पड़ेगा और ऐसे में जीएस की तैयारी आपकी प्रभावित होगी, क्योंकि जीएस दो पेपर है। इस स्ट्रेटजी पर भी मैं बातें करूंगा कि किसमें कितना टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि जीएस दो पेपर है और जीएस स्कोरिंग है, जीएस में कोई मॉडरेशन या फिर स्केलिंग संभवतः नहीं होता है, तो इसलिए वहां पर पॉसिबिलिटी है कि आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका अच्छा मार्क्स आएगा। तो ओवरऑल टाइम कंजम्पशन अगर ज्यादा होता है तो इस स्टेज में पहुंच करके आप बहुत ही लेंदी सिलेबस, बड़े सिलेबस वाले सब्जेक्ट को आप ऑप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम टेकिंग ज्यादा होगा। आपके पास मान लीजिए 1500 घंटा है, 1500 घंटे का टाइम बजट, मैं टाइम बजट पर भी आऊंगा, तो उस टाइम बजट में ही आपको पूरी की पूरी 66 बीपीएससी पीटी मेंस इंटरव्यू आपको फाइनली निकालना है, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैं करूंगा भी। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, अगला पॉइंट टाइम कंजम्पशन के बाद एक जो महत्वपूर्ण फैक्टर करता है वह है स्टडी मटेरियल और गाइडलाइन। यह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है सब्जेक्ट के चयन में। अगर मान लीजिए आपके पास पर्टिकुलर किसी सब्जेक्ट की स्टडी मटेरियल अच्छी है या फिर अच्छे ढंग से अवेलेबल हो जाने का स्कोप है, बेटर गाइडलाइन है, बेटर टीचर आपके साथ हैं, आपके सीनियर्स आपके साथ हैं, ठीक है, अच्छा एक माहौल है, तो वह आपके काम को काफ़ी आसान बना देता है। तो इसको भी आप सब्जेक्ट के सिलेक्शन के क्राइटेरिया में आप इसको भी रखेंगे कि पर्टिकुलर उस सब्जेक्ट का में स्टडी मटेरियल है या नहीं है, गाइडलाइन प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक 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 कह सकते हैं एक एक फैक्टर स्कोरिंग भी है, ठीक है, कि कौन सा सब्जेक्ट कितना स्कोरिंग होता है। तो स्कोरिंग का कोई एक ऐसा कोई फार्मूला नहीं है कि क्योंकि कई बार वो अप्स एंड डाउन होता रहता है, पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट से रिजल्ट बहुत अच्छा आता है, कई बार बुरा आता है, तो इसका कोई एक सर्वमान्य फार्मूला नहीं है कि वह सब्जेक्ट हर एक साल अच्छा आएगा। वैसे जनरली अभी ज्योग्राफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, 64वीं में LSW का परफॉर्मेंस अच्छा है, ठीक है, तो यह बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है। इसके अकॉर्डिंगली बहुत ज़्यादा आप भागेंगे नहीं, जो सब्जेक्ट आप लेंगे उसके साथ फुल जस्टिफिकेशन होना चाहिए, ठीक है, उसमें आपका इंटरेस्ट हो, बेटर स्टडी मटेरियल हो, बेटर गाइडलाइन मिले, ठीक है, अपने टाइम के बजट को आप देखते हुए करेंगे, तो ये सारा फैक्टर इम्पॉर्टेंट होता है ऑप्शनल के चयन में, ठीक है, खासकर नए स्टूडेंट्स के लिए। इस संदर्भ में जो एक इम्पॉर्टेंट बातें हैं कि आप अपने ऑप्शनल को चेंज नहीं करेंगे बार बार। कई लोगों को ऑप्शनल चेंज करने की जो प्रवृत्ति होती है, चेंज आप तभी करेंगे, खासकर पुराने स्टूडेंट, जब आपको लगे कि नहीं कि हमने जो सब्जेक्ट चूज किया है वह बहुत अच्छा, हम उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। परफॉर्म करने के लिए एक स्कोरिंग के साथ है जो, और मैं पॉइंट जोड़ देता हूँ, परफॉर्मेंस, ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी, ठीक है, परफॉर्मेंस के आधार पर भी आप क्या करेंगे,
आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं। और इसके लिए खासकर जो लोग नए हैं, ठीक है, जो नए स्टूडेंट्स हैं, तो क्या करेंगे, नए स्टूडेंट्स देख लेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस, मेंस का क्वेश्चंस आप ले लेंगे और देखेंगे कि आप उसमें फिट बैठ रहे हैं कि नहीं है, आपकी कैसी सूटेबिलिटी है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस को आप बनाएंगे, दिखाएंगे अपने सीनियर से, टीचर्स से, ठीक है, उसके आधार। और जिन्होंने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से अगर एक भी मेंस लिखा है तो उनके लिए तो आसान हो जाता है कि नहीं, हमें अच्छा, मैं परफॉर्म कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रहा हूँ। परफॉर्म करने के पीछे हो सकता है कि आप की प्रॉपर गाइडलाइन सही नहीं हो, स्टडी मटेरियल सही नहीं हो, या आपकी अपनी तैयारी सही नहीं हो, तो यह भी एक फैक्टर है। तो बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट चेंज करने से बेहतर है कि अपने पिछले सब्जेक्ट को ही आप ज़्यादा अच्छे ढंग से, चूँकि टाइम बजट में कोई भी नया सब्जेक्ट आप लेंगे तो उसमें क्या है, 500 आवर्स की आवश्यकता होगी, एक मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ। तो 500 आवर्स नए सब्जेक्ट के लिए चाहिए। पुराने सब्जेक्ट में मान लीजिए आपका ठीक ठाक पढ़ा हुआ है तो हो सकता है कि केवल 200 आवर्स आप दे देंगे तो उसकी बहुत ही अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। तो यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्टर है। तो परफॉर्मेंस को देख लेंगे प्रीवियस ईयर के क्या, प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चंस है उसको आप सॉल्व करके देख लेंगे और उसके आधार पर आप डिसीजन ले सकते हैं। तो चेंज आपको, मैं बता रहा था कि चेंज आपको बार बार नहीं करना है सब्जेक्ट का, इससे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो यही कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके आधार पर आप क्या करेंगे, जिसके आधार पर आप सब्जेक्ट का चयन आप करते हैं, ठीक है। अब है कि इसमें मैं कई सारा पॉइंट बोला हूं, तो इसमें से अगर टोटल 6 पॉइंट है आपका, बैकग्राउंड, इंटरेस्ट, सिलेबस कैसा है, टाइम कंजम्पशन, स्टडी मटेरियल और स्कोरिंग और परफॉर्मेंस, ठीक है, इसके आगे परफॉर्मेंस भी आप जोड़ करके देखेंगे। तो इस 6 पॉइंट में से अगर एटलीस्ट 4 पॉइंट आपके फेवर में है, एक फॉर्मूला निकल जाएगा, 4 पॉइंट आपके फेवरेबल में है तो आप सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। मान लीजिए बैकग्राउंड भी आपका उस सब्जेक्ट का है, इंटरेस्ट भी है, सिलेबस भी ठीक ठाक है और टाइम कंजम्पशन भी अच्छा है, तो ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छा है। बाकी 2 नहीं भी होगा तो कोई बातें नहीं है, या फिर नीचे से 2-4 है, स्कोरिंग है, सब्जेक्ट स्टडी मटेरियल भी आपके पास है, गाइडलाइन भी अच्छा है, टाइम कंजम्पशन भी कम है या और सिलेबस भी छोटा है, ठीक है, तो आप फिर भी आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। बैकग्राउंड आपका उस सब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है, इंटरेस्ट कम है लेकिन तैयारी आपकी हुई है, अच्छी तैयारी आपकी है, तो इंटरेस्ट आपका डेवलप हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट क्या है, हवा में, कोई वैक्यूम में नहीं आता है, ठीक है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है किसी सब्जेक्ट की, परफॉर्मेंस आपका उसमें अच्छा हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी, मान लीजिए मैथ ऐसा सब्जेक्ट है, बचपन में आप देखेंगे कि जिसका मैथ बुरा है उसका मैथ बहुत बुरा है, क्यों, एक मन में डर होता है, और जिसने थोड़ा सा मेहनत कर लिया और उसका अच्छा मार्क्स आ गया, अच्छा स्कोरिंग उसने कर लिया, स्कोर कर लिया, तो क्या होता है कि उसमें इंटरेस्ट भी ऑटोमेटिकली हो जाता है। सेम चीज संस्कृत के साथ है। तो कोई भी इस 6 पॉइंट में से अगर, कोई भी 6 पॉइंट में से अगर आपके सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल पेपर में 6 पॉइंट में से अगर आपका 4 पॉइंट, ठीक है, 4 पॉइंट आपका मिल रहा है आउट ऑफ 6, मिनिमम आप कोशिश कीजिए, अगर ये 5/6 हो जाए तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है, 5/6 यानी 4 पॉइंट आपका मिल जाए तो आप बहुत ही आराम से सब्जेक्ट को ले सकते हैं। 3 पॉइंट मिले 3/6 तो भी चलेगा, ठीक है, तो भी चलेगा, लेकिन कोशिश आपकी होनी चाहिए कि कम से कम
4.6 हो, ठीक है, और यह स्थिति अगर आ जाए तो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छी कंडीशन है। इससे कम पर आप नहीं लेंगे, ठीक है, मतलब 6 पॉइंट में से 3 पॉइंट आपका हो, इस बात का आप ख्याल रखेंगे सब्जेक्ट के चयन में, ठीक है। तो यह मोटा मोटी हमारा फॉर्मूला निकलता है और सिलेक्शन ऑफ ऑप्शनल पेपर का कि देयर शुड बी एटलीस्ट 4 पॉइंट्स इन योर फेवर, आउट ऑफ 6 पॉइंट 4 पॉइंट आपके फेवर में होना चाहिए। तो 4/6 का फॉर्मूला अगर 3/4 का हो यानी 75% का हो तो बहुत ही अच्छा है, अदरवाइज आपका 2.1 कितना हो गया 66.66 हो गया, ठीक है, दो तिहाई का ये फॉर्मूला हो गया, 4/6 क्या हो गया, दो तिहाई का फॉर्मूला हो गया, और ये आपका 3/4 का फॉर्मूला हो गया। तो दोनों में से ठीक है, तो इस दोनों में से यह आपका हो गया दो तिहाई का फॉर्मूला और ये आपका 3/4 का हो गया। तो यह 2/3 हो तो बहुत ही अच्छा है और यह हो तो बहुत ही अच्छा की स्थिति हो जाएगी 3/4 का, ठीक है। तो सब्जेक्ट के चयन में यही सारा फैक्टर काम आता है, ठीक है, और इसके आधार पर अपने सब्जेक्ट का आप चयन कर सकते हैं। ये जो 2/3 का जो फॉर्मूला है यह कई जगह बीपीएससी के एग्जाम्स के लिए कई जगह महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो इसकी चर्चा मैं अगले टॉपिक में करूंगा कि टॉप करने के लिए बीपीएससी में, जी हाँ, बीपीएससी में टॉप करने के लिए एक फॉर्मूला क्या होना चाहिए, टाइम बजट, दूसरी बात है कि टाइम मैनेजमेंट है, टाइम बजट है, टाइम बजट के हिसाब से कितना आपको पढ़ना चाहिए कि आप टॉप कर सकते हैं, कितना आपको स्कोर करना चाहिए अलग अलग जीएस के अलग अलग पार्ट में, ऑप्शनल में, पीटी के लेवल पर, इंटरव्यू के लेवल पर, तो इन सब को हम लोग अगले क्लास में हम लोग जानेंगे। इस पर मैं वीडियो आपको डाल दूंगा, ठीक है, एक सीरीज के रूप में चल रहा है, बहुत सारा पहले भी डाला जा चुका है और आगे भी कंटिन्यूअसली, ताकि आपकी जो भी क्वेरी है वो पूरा सॉल्व हो सके, ठीक है। फिर बुक्स कौन कौन सी पढ़नी चाहिए इस पर भी मैं चर्चा करूंगा, इसके लिए क्या स्टडी मटेरियल्स रिपब्लिका के ऐप पर क्या आपको अवेलेबल होगा इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, चूंकि यह एक बहुत बड़ा मैटर है। इसको मैं मिटा देता हूँ 2/3 का फॉर्मूला, और बेहतर हो कि 3/4 अगर मैच करे, मैक्सिमम पॉइंट आपके फेवर में हो तो आप सब्जेक्ट का चयन कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी चीजों की चर्चा मैं अगले क्लास में करूंगा कि आपका स्कोर क्या होना चाहिए, कितना टाइम आपको देना है, कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी है, ठीक है। स्टडी मटेरियल के रूप में सारी चीजें आपको रिपब्लिका के ऐप पर अवेलेबल हो जाएगा, एक पूरी तैयारी एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में एक रिपब्लिका के ऐप पर अवेलेबल होगा आपके लिए, एक ताकि आपका फाइनल निकले। बीपीएससी का मतलब केवल पीटी देना नहीं है, यह चीज़ आप ध्यान में रखें। कई लोगों को भ्रम है कि बस केवल पीटी की तैयारी करो बस हो गया, नहीं, एक इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में जब तक आपकी स्ट्रेटजी नहीं होगी तो या तो आप पीटी में ही फंस जाएंगे या फिर मेंस में फंस जाएंगे या इंटरव्यू में फंस जाएंगे, अगर हो गया तो रैंक बहुत ही नीचे है, फिर आप विषय साइकिल में फंसते जाएंगे, फिर दोबारा दो पंचवर्षीय योजना बन जाती है। तो उससे आपको बचना है, कम मेहनत करके कम तैयारी के साथ भी आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, डूज और डोंट, और कई बार डूज से ज्यादा इंपॉर्टेंट डोंट होता है, यानी डूज मतलब क्या करना चाहिए और डोंट का मतलब क्या नहीं करना चाहिए। तो
क्या नहीं करना चाहिए यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किन किन बुक्स से बचना है, किस 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 प्रकार की गाइडलाइंस आदि से बचना है, ठीक है। कम मेहनत के साथ भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चलेंगे, आपको लेफ्टिस्ट नहीं बनना है, राइटिस्ट नहीं बनना है। आप मान लीजिए यहाँ से वहाँ तक पहुँचना हो तो आप बाएँ होकर के जाएंगे, दाहिने होकर के जाएंगे, तो टाइम ज़्यादा लगेगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप जाइए, अगर 10 मीटर की दूरी तय करनी है तो हम स्ट्रेट फॉरवर्ड अगर जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। तो क्यों ना हम स्ट्रेट फॉरवर्ड की नीति अपनावें अगर निकालना है तो, और वहीं हम लोग काम करेंगे। रिपब्लिका अपने रिजल्ट के लिए इसी रूप में जानी जाती है कि चीज़ों को इंटीग्रेटेड फॉर्मेट में, केवल पीटी का शिकार मत बनिए कि पीटी में ही लगे हुए हैं, नहीं, इससे रिजल्ट नहीं आएगा। एक पूरी स्ट्रेटजी के साथ एक सच्चाई को, फैक्ट्स को, बीपीएससी को ऊपर से आप देखिए, एरोइक सीन के रूप में, ठीक है, एरियल सीन के रूप में, ठीक है। तो एरियल सीन के रूप में देख करके आप, क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसा है जो कि मेंस के लेवल पर, पीटी के लेवल पर कॉमन है, कॉमन वाले पार्ट की आप तैयारी पहले कर लीजिए ताकि आपका मेंस भी उतना पार्ट सिक्योर हो जाए और पीटी में भी आपका अच्छा परफॉर्मेंस हो सके। तो इस पर मैं डिटेल में बातें करूंगा, ठीक है। तो इस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करेंगे और इसी ऐप के थ्रू आपको पूरी की पूरी ऑनलाइन गाइडलाइन मिल जाएगी, इसमें स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, वीडियो क्लास भी रिकॉर्डेड क्लास के रूप में मिल जाएगा, फिर लाइव क्लास भी 2-3 दिन में स्टार्ट हो रहा है। तो सारी चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। हम स्कोर का क्या फॉर्मूला है, टॉपर्स स्कोर का फॉर्मूला पर हम चर्चा करेंगे, फिर बुक पर अगले सेशन में चर्चा करेंगे, साथ ही टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्कोर की भी हम चर्चा अगले क्लास में करेंगे। ऑल द बेस्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय।